सब से अलग, मैं सब से जुदा। सुनो एक नई आवाज, बातें नई है नया अंदाज। सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ नया सभी सुनने वाले सामईन को मेरा पुरखलूस आदाब। मैं हूं आपकी मेजबान शिरीन नामान। वादी कश्मीर का हर जर्रा सूफी मौसीकी से लिपटा हुआ है और ये मौसीकी न सिर्फ वादी में बल्कि दीगर ममालिकों में भी कायम रखने की भरपूर कोशिश की है हमारे आज के मेहमान ने, जिनका नाम मौसीकी में आला वकार हासिल करता है। जनाब मोहतरम, आज का मौजू गुफ्तगू पे मबनी है और आज गुफ्तगू आगे से हम एक ऐसी मारूफ व मुअज्जज़ शख्सियत से जिनका नाम है असमत अशाई साहिबा, जो सरबरा हैं फनकार इंटरनेशनल ग्रुप की और पिछले कई सालों से यूएसए में कयाम कर रही हैं। फनकार इंटरनेशनल जैसी तंजीम की बुनियाद 1989 ईस्वी में हुई। फनकार इंटरनेशनल की ये मुख्तसर सी कोशिश जो 1999 में एक एनजीओ के हवाले से दाखिल हो गई, आइए सुनते हैं उनकी सरबरा असमत अशाई साहिबा की जुबानी ये कहानी। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपकी सोच में फनकार इंटरनेशनल का ख्याल कहाँ से आया और कब आया? फनकार इंटरनेशनल का ख्याल पहले फनकार इंटरनेशनल जैसी चीज़ से नहीं आया। जब 90s में हम यहाँ यूथ कैंप्स करते थे, उनमें हम इन्हें कश्मीरी लैंग्वेज सिखाते थे, गाने होते थे, खाना पीना सब कुछ जैसे हमारे कल्चर में होता है। लेकिन हमारी वहाँ जब हम रिकॉर्डिंग ढूंढते थे किसी कश्मीरी गाने की, तो हमें सही रिकॉर्डिंग मिलती नहीं। उसके बाद हमने सोचा कि हमें खुद रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। फनकार इंटरनेशनल शुरू करने में मुतासिर आप किससे हुई? फनकार इंटरनेशनल हमने सोचा कि काफ़ी ज़रूरत है, और जो कश्फ है वो हमारे बच्चे थे। हम चाहते थे कि हमारे बच्चे भी अपने कल्चर से मुतासिर हों, और इन्हें दिखाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। क्या कश्मीरी मौसीकी को दीगर ममालिकों में ले जाना आपके लिए आसान सफ़र था? जो हमने कॉन्सर्ट्स कराए उसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, वो तो एक ज़ाहरी चीज़ थी जो लोगों ने देखी। तो उसमें सबसे मुश्किल ये चीज़ थी कि एक तो पैसे जमा करने होते हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअल फंडिंग पे जाते हैं, हम किसी से पैसे नहीं लेते, और वीज़ा की मुश्किल होती है। और ये है कि लोगों को यहाँ जब अमेरिका में हमारे म्यूजिशंस आए, तो हमारे म्यूजिशंस के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। बाकी तो जो फनकार इंटरनेशनल काम करते हैं वो ज़ाहरी तौर पे लोग देखते नहीं हैं, लेकिन उसका असर जो है यंग म्यूजिशंस पे काफ़ी है। उसके लिए हम जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं। जो कश्मीरी माशरा हमारा यूएसए में कयाम है, उन पर इसके क्या असरात हैं और क्या नई पीढ़ी पर इनका वाकई कुछ असर पड़ रहा है? हमारा एक मिशन है कि हम अपनी ज़बान ज़िंदा रखें, और ये जो कॉन्सर्ट्स थे उससे हमारे बच्चों पे बहुत असर पड़ा। उन्होंने देखा कि हमारा कल्चर बहुत रिच है, उन्होंने बहुत इन्जॉय किया मौसीकी को। तो इससे ये हुआ कि उन्हें शौक़ पैदा हो गया वो कश्मीरी गाने सुने। आखिर में मेरा यही सवाल है कि फनकार इंटरनेशनल के तईं आपके क्या ख्वाहिशात हैं और आप किस तरह उनको पूरा करना चाहती हैं? हमारी ख्वाहिश है कि वो अपने कल्चर को नीची नज़र से ना देखें, बड़े फ़ख्र से देखें, और
लोगों को बताएं कि हम क्या हैं। एक जो ज़बान होती है वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती है, उसमें बहुत चीज़ें दबी हुई होती हैं, उसमें आपका सारा कल्चर दबा हुआ होता है। मैं सोचती हूँ कि आप इनकम्प्लीट हैं अगर आप अपनी ज़बान नहीं बोल सकते, अपनी मादरी ज़बान नहीं बोल सकते, तो आप इनकम्प्लीट हैं। हमारी यही कोशिश है कि हमारी ज़बान ज़िंदा रहे। सामईन, कश्मीरी मौसीकी के हवाले से ये थी पेश कदम की आखिरी पेशकश। आइए अलविदा कहते हैं कलाम वहाब खार से। होश दर गोश था लोगो, शोल मारा रो लोगो, होश दर गोश था लोगो, शोल मारा रो लोगो, दिल ची दरिया भर छो बर हवा, दिल ची दरिया।